नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बबल्स नीट कार्डिगन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बबल्स नीट कार्डिगन बताने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कलर के ऊन लेंगे। मैंने यहाँ एक कलर का ये ऊन लिया है और एक कलर का मैं और ऊन लूँगी। ये दो कलर का ऊन लेना है और इससे अब हम घर बनाना शुरू करेंगे। घर बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पर छोटे से नमूना बना करके आपको पूरा स्वेटर बताऊँगे और आपको इसमें सिर्फ चार गुना पांच गुना कर लेना है। तो आप यहाँ शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक फंदा डालते हैं, देखिए ऐसे फंदा बना लिए। फंदा डाल करके इसको सिलाई में डाल देना है। जैसे हम पहले भी घर बनाने के लिए बता दिए हैं पहले के वीडियो में, तो आप उस पे जा करके देख सकते हैं कि हम घर कैसे बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीका से घर बनाया जाता है। देखिए, ये दोनों उंगली को इसमें फंसा करके इसको फिर से डाल दीजिए तो ये घर बनना शुरू हो जाता है, घर बनता है। लेकिन इसका घर बहुत ही खूबसूरत लगता है, नीचे का डिजाइन भी बहुत खूबसूरत आता है। तो इससे हम घर बनाना शुरू कर दिए हैं। अब आपको कितना घर डालना है, हम यहाँ पर 35 घर डाल रहे हैं, 36 घर डाल रहे हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर जितना बड़ा बच्चा है उसके अनुसार आपको घर डालना है। अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है तो आप यहाँ पर लगभग 75-76 घर डाल करके स्टार्ट करें। अगर आप 100 घर का डालिए तो आपका 3-4 साल का बच्चा का हो जाएगा। तो 100 घर हमको डालना है। हम यहाँ आपको 36 घर पे डाल के छोटा सा नमूना बता रहे हैं। तो हम इस पे घर बना लेंगे। इसी तरह से घर बनाना है आपको, देख लीजिए। जब घर बन जाएगा तो इस पे आप गांठ डाल दीजिए ताकि खुले नहीं। गांठ डाल करके पहला सिलाई पूरा सीधा बुन लीजिए। सीधा हम कैसे बुनेंगे, ऐसे घर में डालेंगे और इसको फंदा को इस तरह से दे करके फंदा को फिर निकाल लेंगे। इस तरह से डालेंगे फंदा को, सीधा फंदा डालेंगे सिलाई को और फंदा डाल करके उसको उतार लेंगे। देखिए, ये सिलाई में जो घर बना हुआ है मेरा यहाँ, इस पे हम ऐसे सीधा डालेंगे और ऐसे फंदा, सीधा फंदा दे करके इसको हम फिर वापस निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमको पूरी सिलाई बिन लेना है। उल्टी सिलाई फिर, ये देखिए हम पूरी सिलाई सीधा बुन लिए हैं। अब उल्टी सिलाई को एक घर उठा लेंगे और फंदा को इधर करके एक घर सीधा बिनेंगे और एक घर उल्टा बिनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हमें एक घर उल्टा एक घर सीधा का बॉर्डर बना लेना है। लगभग 1 इंच का बॉर्डर बना लेना है। आपको जितना पसंद हो उतना बनाना है, बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद इस पे आपको दूसरे कलर का ऊन लगाना है। अब देखिए, ये बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अब इस पे हम दूसरे कलर का ऊन डाल करके हम इसको सीधा बुनना शुरू करेंगे। इससे हम दो सिलाई सीधा बुन लेंगे। सबको टाइट कर दीजिए, आपका टाइट हो जाएगा। इसे सीधा बुन लीजिए।
ये हम पूरा सीधा बिन लिए हैं। अब हमको पीछे पार से भी सबको सीधा ही बिनना है। इधर से भी इसको हम सीधा बिनेंगे। इस तरह हम चार सलाई इस कलर के ऊन से बिन लेंगे, फिर हम लाल कलर के ऊन से ही बिनना शुरू करेंगे। इस तरह हम पूरे स्वेटर को जहाँ तक बाजू घटाने का होगा वहाँ तक हम इसको बिनते जाएंगे। इस तरह से देखिए, अब हम बिन करके इसको तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आप बड़े स्वेटर में बना करके तैयार कर लें। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको चार भाग में ऊन को बांट लेना है। तो आपको यहाँ 36 घर है तो 18 घर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 18 घर करना है। ये 18 घर एक पल्ला का हो गया, 18 घर एक पल्ला का हो गया। तो अब हमको इसके बीच में बांह के लिए घटाना है। बांह के लिए हम घटाते हैं 4, 3, 2, 1। तो आपको 4 एक साथ में 4 का डबल घटाना है, यानी कि 8 घटाना है, फिर 6 घटाना है, फिर 6 के बाद फिर 4 घटाना है, फिर 2 घटाना है। इस तरह से आपको बांह में घटाना है। चूंकि मेरा छोटा है इसलिए हम थोड़ा सा ही घटा करके आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर 9 घर, 18 घर है तो हम यहाँ 9 घर को बिन देंगे। यहाँ पर हम बॉर्डर बिनते जा रहे हैं। ये देखिए, ये 5 घर का बॉर्डर यहाँ पर, जो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 5 घर का बॉर्डर इधर भी बिनते रहेंगे और एक ऊन लगा करके इधर भी 5 घर का बॉर्डर बिनते रहेंगे। क्योंकि बॉर्डर हमको दोनों ओर चाहिए इसलिए हम यहाँ पर बॉर्डर बनाते जाएंगे। बीच का घर पूरा उल्टा और सीधा रहेगा। तो आप इसमें यहाँ पर अब 9 घर को, 9 घर बनाना है तो पहले 5 घर का हम बॉर्डर बिन लेंगे। पांच घर का बॉर्डर बिन लिया। अब हम 6, 7, 8, 8 हो गया। तो हमको 9 घर लेना है तो 9 घर इधर का, 9 घर इधर का, तो हम बीच में 2 घर को घटा देंगे। अब घटाने का क्या तरीका है देख लीजिए। एक घर को उठा लीजिए और एक घर को बीन करके इसमें जो है इस घर को ऐसे चढ़ा दीजिए, ये घट जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 घर घटा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा सा है, नमूना बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ 2 घर घटा रहे हैं। आपको यहाँ पर 8 घर घटाना है। उसके बाद आप यहाँ पर फिर जो है इधर आप बनाए हैं 8 घर बनाए हैं तो 8 घर इधर भी बना देना है। 16 घर बचेगा अब घटाने के बाद। 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 हो गया। अब आप इसका 8 भी बिन लें। इधर का भी हमको 8 घटाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो है हम एक में ही मेरा स्वेटर बनते जा रहा है। ये दोनों बांह हम एक साथ में घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए फिर हम इसी तरह 8 घर आप घटाइएगा, हम यहाँ पर 4 घर घटा रहे हैं, 2 घर घटा रहे हैं। ये एक घर, क्योंकि ये मेरा बहुत छोटा है इसलिए हम यहाँ पर 2 घर घटा रहे हैं। इसको चढ़ा दीजिए, ये हो गया। इसको आप 2 घर घट गया। अब इसको आप बिन लीजिए 1। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर है तो हम इसको बॉर्डर को बिन लेंगे। एक घर उल्टा एक घर सीधा बॉर्डर को हम बिन लेंगे। फिर हम उल्टे में जैसे बनाते हैं उसी तरह बॉर्डर बिन लेंगे, फिर सबको उल्टा बिन देंगे। यहाँ पर
घटाने के पास आके बताते हैं। देखिए ये हम यहाँ से घटा चुके हैं, इसलिए अब हम यहीं तक का एक पल्ला को पहले पूरा कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पल्ले को बनाएंगे। तो इसको हम फिर पलटा देंगे और इसको हम बीन लेंगे। चूँकि मेरे पास देखिए यहाँ पर आपको फिर से डिजाइन बनाना है, ये वाला डिजाइन यहाँ देना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ऊन छोट घर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ज़्यादा घर रहेगा तो ये वाला डिजाइन को फिर यहाँ पर आपको डालना है। मेरे पास तो यहाँ घर है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर डिजाइन नहीं डाल रहे हैं। इतना छोटा घर में ये डिजाइन नहीं डाल पाएंगे, इसलिए हम इसको इसी कलर की ऊन से बना रहे हैं। तो एक हम यहाँ पर बॉर्डर भी बिनेंगे। यहाँ देखिए एक घर उल्टा एक घर सीधा का बॉर्डर बिन लेंगे। आपको ये डिजाइन यहाँ पर डाल दीजिएगा, जब ये पल्ला बनेगा तो इस पर डिजाइन डालते जाइएगा, ये बहुत खूबसूरत डिजाइन बनेगा। अब इस तरह से इसको जहाँ तक आपका कंधी जाएगा वहाँ तक आपको बनाते जाना है। उसके बाद ये आपको इधर से गला भी घटाना है। तो आपको गला घटाने के लिए क्या करना है, क्योंकि मेरे पास घर कम है इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आपके पास घर रहेगा, 100 घर का कम से कम बनाना है तो आपके पास दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए बॉर्डर बन गया। अब आपको इधर से गला एक एक गला करके घटाते जाना है। अब हम यहाँ से 2 घर का एक घर कर देंगे। देखिए इधर चेन बन जाएगा। फिर इसको बना लिए, फिर हम इधर से बिन देंगे। ये बॉर्डर को बिन देंगे। बॉर्डर मेरा पूरा गला का इस पार से उस पार तक बिनाते जाएगा, इसलिए बॉर्डर को छोड़ना नहीं है। ये बन गया। अब हम इसको फिर से इधर से इस तरह देखिए आपका ये कंधी तैयार हो जाएगा। ये ऐसे गला का बॉर्डर जाएगा। ये देखिए चेन कितना अच्छा से बना है, ऐसे चेन जा रहा है, आपका बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस पे आपका अगर कि नया ये वाला डिजाइन रहेगा तो और सुंदर लगेगा देखने में। ये चूंकि हमारे पास घर नहीं था इसलिए हम डिजाइन नहीं बनाए हैं। अब इस बॉर्डर को सिर्फ बुनते जाना है और ये जो हम 2 घर कंधे के लिए रखे हैं इस पे आपको कम से कम 15 से 20 घर रखना है। ये घर को आपको रखना है 15 घर, तो हम यहाँ 2 घर रखे हैं। इस कंधी को अब हम जो इधर का कंधी बनाएंगे इस पे ऐसे करके हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। जब इसका कंधी बन जाएगा तब हम यहाँ से यहाँ तक बनेगा तब हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा बांह का बाजू का निकल जाएगा। तो अब हम इसमें फिर से ऊन लगा करके इसको बनाएंगे, फिर यहाँ ऊन लगा करके फिर इधर भी उसी तरह से जैसे इधर बनाया है उसी तरह से यहाँ पर भी बाजू बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा तीनों पल्ला बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस पल्ला को आपको इस पे ऐसे ज्वाइंट कर देना है और इस पल्ला को इधर से इस पे ज्वाइंट करना है। ये दोनों घर को हम बंद कर देंगे तो ये हमारा स्वेटर का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनेगा। तो इसको हम बंद करने से पहले हम पहले इस पे घर उठा करके इस पे जितना घर उठेगा इतना घर उठा के बांह का पहले बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बना लेने से ये आसानी होगा क्योंकि ये खुला रहता है तो बॉर्डर बनाने में आसानी होगा। यहाँ से घर उठाते उठाते यहाँ तक घर उठाइए और उसके बाद इसका बॉर्डर बना लीजिए। फिर इधर भी घर उठा करके इसका भी बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद इसको दोनों को आपको कंधी को मिला करके सिल देना है। और देखिए ये इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से यहाँ आकर के कंधी इस पे जुट जाएगा और ये कंधे भी इस पे आकर के यहाँ पर जुट जाएगा। ये देखिए ये जुट जाएगा। और उसके बाद जो आप ये बॉर्डर बना रहे हैं इसको आप गले से ला करके यहाँ पे ला करके कंधे के पास जोड़ दीजिए। तो ये हमारा खूबसूरत कार्डिगन बन करके तैयार हो गया है।
तो दोस्तों देखिए ये हमारा खूबसूरत कार्डिगन बनेगा। ये हम छोटा सा नमूना में बनाए हैं, इसलिए यहाँ भी डिजाइन नहीं बना है। ये डिजाइन बनेगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।